हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं लौट आई हूँ फाइनली अपने घर। अपने घर में आके कितना आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है अपने घर में आके। अपने घर पे आकर अपने बेड पे सोना एक अलग ही बात है। भले ही उन्होंने एसी के कमरे बहुत दे रखे थे, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था हर चीज़ का, किसी बात की परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना होता है। आ गई हूँ। और यार, वीडियो देखो, मेरी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? हैं, देखते हो? क्या बात हो गई, इस वजह से नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? वीडियो देखो यार, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ मैं तो वीडियो देखा करो प्लीज़। और थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैं दिखाऊंगी आपको, जहाँ मैं गई थी। मैं रात आई हूँ 12:30 बजे। अब भी शरीर ऐसा हो रहा है थकान की वजह से बहुत, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं डाली थी मैंने, टाइम ही नहीं मिला। मैं रास्ते में थी, ट्रेन में गई तो मैं प्लेन से थी, आई मैं ट्रेन से। कि देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है, है ना? तो प्लेन से चली गई थी, काफ़ी पैसा उसमें लग गया था। लौट के आई थी मैं ट्रेन से, तो ट्रेन में समझ लीजिए 48 घंटे लगे हैं। सुपर फास्ट ट्रेन थी, फिर भी 48 घंटे लगे हैं। और उसने दिल्ली छोड़ा था शाम, फिर वहाँ से सीधा मैं बस में आ गई। तो मैं आपसे कहूँगी यार, ऐसी बातें नहीं करते हैं, है ना? आप किसी को अगर पसंद करते हो तो कभी कभी उसकी कोई अगर गलत पसंद नहीं आती है कोई चीज़, तो वो भी देख लेते हैं, है ना? ये, और आपको पता, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कितना बड़ा हादसा हुआ था। मैं पहुंची, अब पहुंच के मेरी प्लेन थी, मैं लौट के जा भी नहीं सकती थी। अगर जाती तो मदर की मेरी डेथ हो गई, तो वो मुझे मिल नहीं पाती, है ना? आज मुझे एहसास हो रहा है, चाहे देखिए, इंसान किसी से बात करे या ना करे, किसी से मिले या ना मिले, इतना ही बहुत होता है कि वो दुनिया में है। दुनिया में अगर इंसान होता है तो वो किसी ना कभी मिल ही जाता है। आपका मन करता है आप मिलने चले जाते हैं, जब वो इंसान ही नहीं होता तो आप उससे कहाँ मिलोगे? मैं यही कहती हूँ, दुनिया में अगर इंसान है तो आप मिल लोगे, और नहीं है तो आप कहाँ से मिलोगे? अगर आप किसी को पसंद भी नहीं करते, आपको कोई अच्छा भी नहीं लगता, तो कोई बात नहीं, आपके दिल में ये होना चाहिए कि ये जिंदा रहे, हम कभी मिल तो लेंगे। देखिए, अमर तो कोई नहीं आता। उम्र तो उनकी 75 ईयर्स की थी, 75 76 की। अमर तो कोई भी नहीं आता। सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए, आदमी के कर्म के अनुसार जाता है। मैं तो विश्वास इस बात पे ही करती हूँ, जैसा कर्म करता है वैसे ही वो भोगता है। उन्होंने कुछ भी तकलीफ नहीं भोगी, अचानक ही ख़त्म हो गई। जहाँ गई हुई थी वो कह रही थी, साढ़े तबीयत खराब हुई थी थोड़ी सी परसों, कह रही थी बोलने में तकलीफ हो रही थी, बोला नहीं जा रहा था, और बोली सुबह 3:30 बजे ख़त्म हो गई। ऐसा होता है, हमें ना किसी भी चीज़ की कमी जब महसूस होती है, जब वो हमारे आगे से चली जाती है, हम जब उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, उस चीज़ की कदर समझते हैं, जब वो हमारे सामने से चली जाती है। देखिए, दिखावा तो आप कर सकते हैं, हमें आपको दिखावा कर दूँ, नहीं मैं गई थी, मैं मिली उनसे, मैं ऐसे दिखी वैसे दिखी, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकती। मैं हमेशा, मैंने एक बात कही है, सच्चाई सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आप सच्चाई पे रहो, सच बोलो, सच्चाई है मैं नहीं देख पाई, मैं नहीं मिल पाई आखिरी बार में, तो ये मेरी नसीब है, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, यही कहूँगी मैं तो, जैसे प्रभु की इच्छा, जैसे भगवान की। देखिए, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर्म करते रहिए, अच्छा करते रहिए। अब सोच रही हूँ मैं एक दो दिन में वहाँ बात करूँगी, पहले जाऊँगी, कुछ बातें पता चलेंगी, कुछ क्या कहती थी वो, क्या बोलती थी, एक बार तो जाऊँगी, है ना? बस इतना ही, क्लिप डालूंगी, देखना थोड़ी सी झलकियाँ वहाँ की। ये हमारा यूनियन का प्रोग्राम होता है, हमारी यूनियन है C2 की, CITU की यूनियन जो है, ऑल वर्ल्ड में यूनियन है, विदेशों में भी है, ऑल इंडिया में है। ये 3 साल बाद सम्मेलन होता है। जैसे पहले सम्मेलन होगा परियोजना, परियोजना जैसे हमारा मुरादाबाद है, और मुरादाबाद में परियोजना है, जैसे कई जगह होती हैं, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में शादरा है, ये है वो, ऐसा आसपास होते हैं ना, पहले वहाँ होता है, फिर जिलों पे होता है, जिले के बाद फिर राज्य पे होता है। जैसे राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्य पे होता है, फिर नेशनल होता है, ऑल इंडिया पे होता है।
तो ऑल इंडिया से लोग आते हैं इंतजाम। वो मैंने पूछा था उनसे खर्चा, तो बता रही थी 1 करोड़ का खर्चा हुआ है। जो बैठाने के लिए उन्होंने हॉल किया था वही 50,000 रुपये रोज का था 4 दिन के लिए, और खाने का इंतजाम, नाश्ते का इंतजाम, चाय का इंतजाम, सबके लिए होटल, और जैसे जैसे पदाधिकारी होते हैं उनके लिए वैसे ही वैसे होटल, सारे होटल अच्छे थे। कितने लोग थे? 1,000 लोग थे। तो इतना खर्चा तो बनता ही। फिर गिफ्ट देते हैं वो लोग कुछ ना कुछ सबको, जितने पदाधिकारी लोग थे, जितने अधिकारी लोग थे, उन्हें सबको साड़ियाँ, तौलिया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे ही गिफ्ट देते रहते हैं। तो इससे पहले जब हुआ था तो वो राजमुंदरी में हुआ था, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राजमुंदरी में। पहले मैं राजमुंदरी गई थी 3 साल कोरोना से पहले, और अब गई थी मैं मदुरई। तो मैं यही कहूँगी यार, कोई बात नहीं, इंसान देखिए, इंसान आप पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, है ना, देखो या ना देखो, लेकिन यार मुझ पे फ़र्क पड़ रहा है। मैं 1.5 साल से इसमें लगी हुई हूँ, आप लोगों की वजह से पहुँच जाऊँगी, आगे पहुँच जाऊँगी। और बताऊँ मैं, जिस दिन मेरे पास इसका पैसा आ गया ना, मैं उन लोगों को दूंगी जिन लोगों को ज़रूरत है, और उसमें कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व होंगे। आप क्यों इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि आपकी वजह से मैं वहाँ, मुझे वो पैसा मिलेगा। आप लोग मुझे देखोगे तभी मेरा सब्सक्राइब, वो व्यूवर्स बढ़ेंगे, व्यूवर्स बढ़ेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो मैं दान करूँगी, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगा और आपका भी लगेगा। देख लेना, आपको वो वीडियो में सब बनाऊँगी। तो मैं यही कहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखा करो, ठीक है? मिलती हूँ आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट देख लीजिएगा वीडियो, यार कोई बात नहीं है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और मैं लौट आई हूँ फाइनली अपने घर। अपने घर में आके कितना आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है अपने घर में आके। अपने घर पे आकर अपने बेड पे सोना एक अलग ही बात है। भले ही उन्होंने एसी के कमरे बहुत दे रखे थे, बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था हर चीज़ का, किसी बात की परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना घर तो अपना होता है। आ गई हूँ, और यार वीडियो देखो मेरी, वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? हैं, देखते हो? क्या बात हो गई, इस वजह से नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे? वीडियो देखो यार, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाती हूँ मैं तो वीडियो देखा करो प्लीज़। और थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैं दिखाऊंगी आपको, जहाँ मैं गई थी। मैं रात आई हूँ 12:30 बजे। अब भी शरीर ऐसा हो रहा है थकान की वजह से बहुत, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं डाली थी मैंने, टाइम ही नहीं मिला। मैं रास्ते में थी, ट्रेन में गई तो मैं प्लेन से थी, आई मैं ट्रेन से, कि देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है, है ना। तो प्लेन से चली गई थी, काफ़ी पैसा उसमें लग गया था, लौट के आई थी मैं ट्रेन से। तो ट्रेन में समझ लीजिए 48 घंटे लगे हैं, सुपर फास्ट ट्रेन थी, फिर भी 48 घंटे लगे हैं। और उसने दिल्ली छोड़ा था शाम, फिर वहाँ से सीधा मैं बस में आ गई। तो मैं आपसे कहूँगी यार, ऐसी बातें नहीं करते हैं, है ना। आप किसी को अगर पसंद करते हो तो कभी कभी उसकी कोई अगर गलत पसंद नहीं आती है कोई चीज़, तो वो भी देख लेते हैं, है ना। ये और आपको पता, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कितना बड़ा हादसा हुआ था। मैं पहुंची, अब पहुंच के मेरी प्लेन थी, मैं लौट के जा भी नहीं सकती थी, अगर जाती तो मदर की मेरी डेथ हो गई, तो वो मुझे मिल नहीं पाती, है ना। आज मुझे एहसास हो रहा है, चाहे देखिए इंसान किसी से बात करे या ना करे, किसी से मिले या ना मिले, इतना ही बहुत होता है कि वो दुनिया में है। दुनिया में अगर इंसान होता है तो वो किसी ना कभी मिल ही जाता है। आपका मन करता है आप मिलने चले जाते, जब वो इंसान ही नहीं होता तो आप उससे कहाँ मिलोगे।